स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सिलोजिज्म। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहले देखिए, इस टॉपिक में हमें जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें सबसे पहले दो या तीन हमें कथन दिए हुए होंगे, फिर उसके बाद होंगे हमें कुछ इस तरह से दिए हुए दो निष्कर्ष। ठीक है, अब देखिए पहले बात करते हैं कथन की। हमेशा जो भी आपको कथन दिया हुआ है आपको उसे मानना है कि हाँ ये सही है। ठीक है, चाहे वो कथन देखो कुछ इस तरह से होंगे कि सभी फोन बॉल हैं, कुछ इस तरह से खत्म होंगे जो नहीं हो सकते। आपको हमेशा क्या मानना है कि हाँ ये सही है। ठीक है, फिर आपको इसके बाद में बनाना है उसका वेन डायग्राम, और वो किस लिए, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर देने में कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आपको क्या बनाना है उसका वेन डायग्राम, और फिर आपको निष्कर्ष दिए हुए होंगे उससे आपको वेन डायग्राम को देख के आपको उसका आंसर देना है, और वो आंसर आपका एकदम ही करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप इस पैटर्न से करेंगे, कथन पढ़िए उसे सही मानिए कि हाँ ठीक है, फिर उसका वेन डायग्राम बनाइए, फिर आप निष्कर्ष देखिए। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष में आंसर किस तरह से देना होता है। निष्कर्ष में आपके कुछ इस तरह से ऑप्शन होंगे, सिर्फ ये रोमन ये लिखे हुए होंगे, एक सही है। ठीक है, फिर होगा सेकंड सही है, थर्ड ऑप्शन आपका होगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं, फोर्थ ऑप्शन आपका होगा ना तो फर्स्ट सही है ना ही सेकंड सही है। ठीक है, यदि फर्स्ट आपका सही होता है तो ऑप्शन नंबर वन, यदि आपका फर्स्ट गलत होता है और सेकंड सही होता है तो ऑप्शन नंबर टू। समझ में आया? तो हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। देखिए कथन है, सभी खिलाड़ी गायक हैं। ठीक है, और कथन एक और है इसमें, सभी नृतक गायक हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखिए निष्कर्ष क्या लिखेंगे। कुछ गायक नृतक हैं, और फिर आएगा सभी नृतक गायक हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका बनाएंगे वेन डायग्राम। पहले आप कथन पढ़िए, सभी खिलाड़ी क्या हैं, गायक हैं। सभी खिलाड़ी क्या हैं, गायक हैं। तो सारे खिलाड़ी किसके पास आ जाएंगे, किसके अंदर आ जाएंगे, सिंगर गायक में आ जाएंगे। सभी नृतक गायक हैं, सभी नृतक क्या हैं, डांसर क्या है, गायक है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष देखिए, पहला ये है और दूसरा ये है, कुछ गायक नृतक हैं। क्या कुछ गायक नृतक हैं? बिल्कुल हाँ, ये आपका सही है। सेकंड देखिए, सभी नृतक गायक हैं, सभी नृतक गायक हैं। क्या सभी नृतक गायक हैं? नहीं। तो यहां क्या होता, अगर यहां होता कुछ नृतक गायक हैं तो क्या होता, पहला और दूसरा निष्कर्ष हमारा दोनों सही हो जाते। लेकिन यहां क्या हो रहा है, पहला तो सही हो रहा है और दूसरा गलत हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है निष्कर्ष एक निकल के आता है हमारे पास। ठीक है, समझ में आया? अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कथन है, सभी पुरुष आक्रामक हैं, और है एक और कथन है, सभी बच्चे आक्रामक हैं। तो देखिए इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। देखिए सभी पुरुष आक्रामक हैं, तो ए से ये, और ये हो गया मेल। ठीक है, दूसरा कथन क्या है, सभी बच्चे आक्रामक हैं, तो ये क्या हो गया, सभी बच्चे। ठीक है, ये हमने इसका वेन डायग्राम बना लिया है। अब देखिए निष्कर्ष, पहला क्या है, पुरुष बच्चे हैं। क्या कुछ पुरुष बच्चे हैं? नहीं।
क्या सभी पुरुष बच्चे हैं? नहीं। देखिए दोनों जो है वेन डायग्राम में, दोनों डायग्राम क्या है, अलग अलग है, कहीं भी वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, ये गलत है। ठीक है, निष्कर्ष नंबर दो देखिए, बच्चे पुरुष हैं, बात तो वही होगी, बच्चे पुरुष हैं, पुरुष बच्चे हो, ठीक है, दोनों में कोई सा भी सही नहीं है, ना तो निष्कर्ष एक सही है और ना ही निष्कर्ष नंबर दो सही है। ठीक है, समझ में आया। एक क्वेश्चन और देखिए, तो कथन देखिए, सभी बकरियां गाय हैं और सभी गाय जानवर हैं। वेन डायग्राम बनाते हैं इसका, सभी बकरियां क्या हैं, गाय हैं, ये लो सभी बकरियां क्या हैं, गाय हैं, गाँव लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड क्या है, सभी गायें क्या हैं, जानवर, ये लो सभी गायें क्या हैं, जानवर, एनिमल। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष पढ़िए, पहला निष्कर्ष है सभी बकरियां जानवर हैं। देखिए क्या सभी बकरियां जानवर हैं, बिल्कुल हाँ, क्योंकि देखिए सभी जहां वर्ड आता है मतलब वो जो डायग्राम है वो उसके अंदर आना चाहिए, एंड जानवर के अंदर है ये गोट का डायग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाँ हो गया, सही है। सेकंड देखिए, सेकंड निष्कर्ष पढ़िए, सभी जानवर बकरियां हैं। क्या ये सभी जानवर, सिर्फ बकरी है क्या, गाय तो है ही नहीं कुछ, क्या सभी जानवर बकरी हैं, नहीं, क्यों, यहाँ पे गाय भी है और ये तो इतना सही पोर्शन है, ठीक है, बाकी का क्या है, तो ये क्या हो गया, नहीं, सिर्फ निष्कर्ष एक सही निकलता है, समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन है सभी पेड़ पत्तियां हैं, इसका वेन डायग्राम हम बनाते हैं, सभी पेड़ क्या है, पत्तियां हैं। दूसरा कथन देखिए, कुछ फल पत्तियां हैं, ये कह रहा है कुछ ही फल पत्तियां हैं, सारे फल पत्तियां नहीं हैं, तो ये देखिए कुछ शब्द आ गया, तो हम सिर्फ इसका इतना सा पार्ट लेंगे और ये आ गया फल। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, पहला क्या है, कुछ फल पेड़ हैं, क्या कुछ फल पेड़ हैं, क्या ये दोनों वेन डायग्राम आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत, पहला निष्कर्ष नहीं निकलता। दूसरा निष्कर्ष देखिए, कुछ पत्तियां पेड़ हैं, क्या कुछ पत्तियां पेड़ हैं, बिल्कुल है। ठीक है, तो इसका आंसर ये सेकंड हो गया, तो इसमें क्या होगा, निष्कर्ष नंबर दो निकलता है। ठीक है, तो आज का हमारा एक वीडियो था इस पे कि किस तरह से हमें कथन देखना है, उसके बाद हमें वेन डायग्राम बनाना है और फिर निष्कर्ष से हमें उसको चेक करना है। ठीक है, बात, जय श्री राम। डेट पहला स्टेप है, डेढ़ बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 2:11 बजे देखने के बाद चलो प्रार्थना करो, टाइम हो गया। वीणा पाणी की, वीणा पाणी की अनुकंपा से, अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि, संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट लगन, उत्कृष्ट लगन, समन्वय, समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से, पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य, लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तथा तथा भविष्य में भी, भविष्य में भी करते रहेंगे, करते रहेंगे, और जो कुछ करनी है, और जो कुछ करनी है उसके लिए, उसके लिए नहीं शब्द, नहीं शब्द हमारे, हमारे शब्दकोश में, शब्दकोश में नहीं है, नहीं है। जय श्री राम, जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगा ली। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक, शानदार तालियां लौटी से करो, गंगा जी तेरे पकड़ा उस पानी में डाल दिया जबरदस्त, उसका सांस घुटने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया।
उसने पूरा जोर लगा लिया और जब एक दो मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापिस आया तो उसने कहा, गुरुजी ये आपने क्या किया, मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था, जब एक एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दूं किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य आपसे। विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी, आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के लिए।